हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, दो दिन पहले एक और नई बिल्डिंग निर्माण कार्य करने के लिए हमारे कंपनी को मिला है, और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि बिल्डिंग का काम कहाँ तक पहुँचा है और कितना तेज़ी से किया जा रहा है। तो गाइस, चलते हैं बिल्डिंग के तरफ और आपको दिखाते हैं बिल्डिंग का काम कहां तक पहुंचा है। तो मिलते हैं बिल्डिंग के तरफ। गाइस, हम अभी आए हैं पुरानी साइड पे और यहां से गुजर रहे थे, तो हम सोचे आप सभी को ये पुरानी साइड थोड़ा दिखा दें और उसके बाद चलते हैं नई वाली साइड पे। तो गाइस, यहां पे आप देख पा रहे हैं प्लिंथ बीम की सारी ढलाई हो चुकी है। पीछे तरफ आप देखिए, कुछ प्लिंथ बीम की सेटरिंग की काम चल रहा है, जिसे एक दो दिन में ये भी ढलाई हम कर देंगे। और अभी यहाँ की बात बताएं तो कॉलम कास्टिंग हो रही है, जिसके लिए देखिए कंक्रीट गिराया जा रहा है फ्लोरी मशीन से। और ये फ्लोरी मशीन की कंक्रीट के बारे में आपको बात करें तो गाइस, ये कंक्रीट आप देख पा रहे हैं, ये मैनुअल बनाने से लाख गुना बेटर है जो फ्लोरी मशीन बनाती है। इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आता है और ये एक इसकी डिज़ाइन मिक्स जो है चेंज नहीं होता, परफेक्ट तरीके से ये फ्लोरी मशीन हमारा कंक्रीट बनाता है। आप देख पा रहे हैं फ्लोरी मशीन कंक्रीट डाल दिया है और कॉलम ढलाई स्टार्ट हो चुका है, मज़दूर कॉलम ढलाई कर रहे हैं। ये आप देखिए प्लिंथ लमसम इसमें 65% कंप्लीट हो चुका है गाइस, और कॉलम ढलाई चल रही है। ये भी तकरीबन 10 दिन के बाद कॉलम भी ढलाई हो जाएंगे और उसके बाद पारी आएगी छत की। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुराना वाला ब्लॉक है जो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जिक्र किए थे। अगर आप इस बिल्डिंग का स्टार्टअप नहीं देखे होंगे तो आप जाके पिछले हमारे वीडियो में देख सकते हैं। और एक तरफ देखा जाए तो ये शटरिंग वाले कॉलम रेडी कर रहे हैं, जिस पे शटरिंग हो चुका है और इस पे पिन पत्ती लगाया जा रहा है, जिससे इसकी फर्मा जो है फैले ना और किसी तरफ भगे ना। यहाँ पे तकरीबन गाइस 8 बजे तक तो काम चलता ही है, 8 बजे तक मज़दूर काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं सूरज भी ढलने को आया और कॉलम ढलाई हो रहा है, तकरीबन 5:30 बजे की बात है ये। और किस तरीके से इसमें कॉलम डाला जा रहा है, ऊपर दो मज़दूर खड़े हैं और उसके नीचे एक मज़दूर और खड़े हैं, जिससे जो कंक्रीट आता है पास कर सकें ऊपर वाले को। तकरीबन गाइस GL लेवल से ये 5 फीट हाइट है ये बिल्डिंग। GL लेवल आपको बताएँ ग्राउंड लेवल होता है, उससे 5 फीट हाइट है। और अब चलते हैं नई वाली बिल्डिंग में, आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या काम चल रहा है और कैसे किया जा रहा है। गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं फुटिंग की सेटरिंग हो गई है और मशीन भी आके खड़ा है, फ्लोरी मशीन जिसमें कंक्रीट लेकर ये आई है। और अब ये कंक्रीट जो है, ये आप देख पा रहे हैं सेटरिंग रेडी है, इसी में कंक्रीट गिराया जाएगा। और आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं JCB खुदाई भी कर रहा है और कुछ हिस्सों की PCC भी हो चुका है नीचे का फाउंडेशन का। और आपको बताना चाहेंगा, इस बिल्डिंग की मेन जड़ यही है फाउंडेशन इसकी, जो जिसे हम फुटिंग कह रहे हैं, यहीं से बिल्डिंग स्टार्टअप होती है और इसी से ऊपर जाती है। फ्लोरी मशीन का सूपा सेटअप किया जा रहा है, जिससे हमारा कंक्रीट जो है फुटिंग पे डायरेक्ट गिरे। ये हमारे शटरिंग वाले भाई साहब हैं, पीले टी शर्ट शटरिंग करके ये ओके बता रहे हैं कि हमारा शटरिंग रेडी है, अब इसमें आप कंक्रीट डाल सकते हैं।
आप देखिए ये बिल्डिंग की करीब 55% हिस्सा जो है खुदाई हो चुका है और 15% लमसम इसका कार्य भी हो चुका है। 15% आपको बताएं तो स्टील बन चुकी है, शटरिंग हो चुकी है बस। और इसमें अब देखिए गाड़ी थोड़ा सा पीछे लिया जा रहा है जिससे इसमें कंक्रीट एकदम परफेक्ट तरीके से गिरे और बाहर ना वेस्टेज हो। इसमें गाइस कंक्रीट की ढलाई करने के लिए इसमें बस एक से दो मजदूर की ज़रूरत पड़ती है फुटिंग में, जो गाड़ी को साइड लगवाया जाए और इसमें डायरेक्ट गिरा दिया जाए बस, और कोई मज़दूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक मज़दूर काफ़ी है, एक से दो मज़दूर काफ़ी हैं इसको फुटिंग की ढलाई के लिए। देखिए कंक्रीट गिरना चालू हो गया है और काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, ये करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ये फुटिंग भर देगा और इसको फिर उसके बाद लेवल किया जाएगा। इसमें वाइब्रेटर मारा जाएगा और इसको बढ़िया तरीके से लेवल किया जाएगा। इसमें तकरीबन 350 हाइट में ढलाई होगी। डेप्थ इसकी बात किया जाए, डेप्थ जिसे हम मोटाई कहते हैं, 350 हाइट में ढलाई होगी। इंची में बात करें तो हम इसको 14 इंच कह सकते हैं, 14 इंच इसकी मोटाई ढलाई होगी और उसके बाद जो है इसे फिनिश किया जाएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान देना होता है गाइस कि ये 14 इंच से ज़्यादा ना कंक्रीट इसमें गिर जाए, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होगी। कंक्रीट को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता है, उठा के दूसरे फुटिंग में डालना पड़ता है। तो हमें देखने वाली बात यही है कि इसमें ज़्यादा कंक्रीट ना गिर जाए, इस पे हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। और यहाँ खड़े होकर हम डायरेक्शन देते रहेंगे, ऑपरेटर को डायरेक्शन देते रहेंगे, वो उसी हिसाब से इसमें कंक्रीट गिराता रहेगा। आप देख पा रहे हैं 102 मिनट के अंदर ये इतना भर दिया है। अब ये लमसम इसका हाइट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हम लेवल करेंगे और लेवल करके इसको बढ़िया से खचाई करके इसमें हनीकॉम ना आए इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ये देखिए फिनिशिंग लमसम हो गया है और इसे खचाई किया जा रहा है जिससे इसमें हनीकॉम ना आए। तो गाइस कितनी यूनिक तरीके से इसकी ढलाई की जाती है, ना छोटा ना बड़ा, जो साइज ड्राइंग में होता है वही साइज हम इस पे लागू करते हैं। तो गाइस हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।